हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि माउथ ऑर्गन पे कोई भी गाना अगर आप बजाना चाहते हैं तो विदाउट नोटेशन आप कैसे बजा सकते हैं। ठीक है, बिना नोटेशन का आप किस तरह से गाना बजा सकते हैं उसका मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, सीक्रेट बता रहा हूं। तो फ्रेंड, गाना बजाने के लिए पहले फ्रेंड्स आपको पहले सा रे गा मा प ध नि सा प्रैक्टिस कर लेना है तीनों ऑक्टेव पे। ठीक है, ये लोअर ऑक्टेव में, अगर आपके पास 24 होल्स का माउथ ऑर्गन है, मेरे पास ये देखिए 24 होल्स का टावर माउथ ऑर्गन है, तो इसमें 24 होल्स होते हैं। तो पहला 1 से लेकर 8 के बीच में पहला ऑक्टेव बज जाएगा, फिर 9 से लेकर 16 के बीच में मिडिल ऑक्टेव बजता है सा रे गा मा प ध नि सा का, और 17 से लेकर 24 होल तक आपका हायर ऑक्टेव का सारे गा पधनी सा बजता है। ठीक है, तो पहले ये आपको पहले प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, प्रैक्टिस करने के बाद मैं अभी जो मेथड बता रहा हूँ वो आपको फॉलो करना है। तो अब आपको समझ लीजिए कोई भी गाना गाना है। ठीक है, समझ लीजिए एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, ये गाना आपको बजाना है। ठीक है, तो पहले आपको गाना का ये ट्यून है फ्रेंड्स, पहले ये आपको पहले अच्छी तरह से जान लेना है। ठीक है, कम से कम आप 5-6 बार गाने सुन लीजिए ताकि गाना का जो ट्यून है, ठीक है, लिरिक्स नहीं जानने से भी होगा लेकिन गाना का जो ट्यून है, ठीक है, जो धुन है वो आपको अच्छी तरह से एकदम दिमाग में बैठाना है। तो आप 2-3 बार सुन लीजिए, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। अब आपको ये गाना का शुरुआत कहाँ से होगा फ्रेंड्स, ठीक है, ये आपको पहले पता लगाना है किस होल से गाना शुरू होगा। ये अगर आप जान जाएंगे तो आपका 50% काम यहीं पे आसान हो गया। ठीक है, तो ये अगर आपने सारे गा पधनी सा फ्रेंड प्रैक्टिस किया है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होगी, आसान होगी। जैसे एक अजनबी ये निकालना है, ठीक है, तो आप इसे ट्रायल एंड एरर मेथड से भी पता लगा सकते हैं। जैसे आप यहाँ फूकिए तो ये है बहुत हाई में हो जा रहा है, इतना हाई का मुझे नहीं जाना है। ठीक है, तो मुझे लोअर ऑक्टेव या मिडिल ऑक्टेव में कहीं मुझे ये खोजना है गाने का स्टार्टिंग। ठीक है, एक अजनबी, तो यहां देखिए मुझे मिल गया, ये 5 नंबर का जो होल है यहां से अगर मैं शुरू करूं तो ये गाना, ये ट्यून देखिए निकल रहा है। एक 5 नंबर होल में मैं फूक रहा हूं, एक अजनब, फिर एक, अब क्या है आपको मिडिल, सॉरी आपको स्टार्टिंग होल पता चल गया, 5 नंबर होल से ये गाना स्टार्ट हो रहा है। अब आपको गाने का फ्रेंड्स ये धुन है, ट्यून को फॉलो करना है। ठीक है, एक अजनबी अजनबी, देखिए ये हाई में जा रहा है गाना, ये लो में नहीं जा रहा है। एक जो वर्ड है, एक के बाद जो वर्ड्स आ रहे हैं वो हाई पिच पे हैं। ठीक है, तो अगर हाई पिच है तो आप जान लीजिए कि आपको दाहिने तरफ मूव करना है, ये मैंने बताया था। ठीक है, तो आपको एक अजनबी में आपको दाहिने तरफ जाना है क्योंकि ये पिच गाने का हाई है। तो देखिए अब गाने का लो कहां पे हो रहा है, यू मूला का, देखिए एक अजनबी हाई में जा रहा है, हसीना से, ये भी हाई में है, यू मूला का, काट में देखिए हाई में नहीं जा रहा, वो नीचे आ रहा है। ठीक है, लो में आ रहा है, अगर लो में आ रहा है तो वहां से आपको बाएं तरफ आना है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपको अंदाजा लगाना है गाने का ट्यून, ये आपको अच्छी तरह सुनना है, ये आपको दिमाग में रखना है कि गाने का पिच हाई जा रहा है या लो जा रहा है। अगर हाई जा रहा है तो आप दाहिने तरफ मूव कर रहे हैं, और लो जा रहा है तो आप बाएं तरफ मूव कर रहे हैं, और कितना हाई जा रहा है ये आपको अंदाज से पता चल जाएगा। आप 2-3 बार बजा के देखिए, जैसे अगर यहां देखिए मैं ज्यादा मूव हो गया, इतना भी हाई नहीं है। ठीक है, एक अजनबी, तो यहां करीब 11 नंबर होल के पास जब मैं फूक रहा हूं तो ये बैठ रहा है ट्यून सही से। देखिए मुलाकात में लो हो रहा है तो मैं बाएं तरफ आ रहा हूं, फिर हो में और नीचे आ रहा है, और लो आ रहा है, तो आप और बाएं तरफ मूव कीजिए, बाएं तरफ मूव करके देखिए किस होल से ये ट्यून निकल रहा है। ठीक है, हो गई, हो में, फिर हो, ये ऊंचा जा रहा है, फिर हाई जा रहा है, तो फिर दाहिने तरफ आपको आना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही एक सीक्रेट है जिससे आप विदाउट नोटेशन गाने को बजा सकते हैं। ठीक है, यही मेथड है, आप फॉलो कीजिएगा। पहले सारे गा पा ध नि सा पूरा अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद गाने का ट्यून आप अच्छी तरह से सुनिए 5-6 बार, गाने का स्टार्टिंग पॉइंट आप निकालने की कोशिश कीजिए, स्टार्टिंग जो होल है कहाँ से गाना शुरू होगा। ठीक है, वो अगर पता लग गया तो आपका बहुत काम आसान हो गया। उसके बाद गाने के पिच के अनुसार आप दाहिने तरफ जाएंगे या बाएं तरफ जाएंगे,
कितना हाई जाना है ये आप अंदाज से ले लीजिए, ठीक है। आप मुंह को, सॉरी, आप महोत्तर को मूव कीजिए, देखिए किस होल पे वो जो ट्यून है वो बैठ रहा है, ठीक है। कुछ कुछ गाने में फ्रेंड्स आप देखेंगे, आप ट्रायल एंड एरर मेथड लगा के भी, आप पूरी कोशिश करके भी वो ट्यून नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है। अगर आप पूरे कोशिश करने के बाद भी वो ट्यून नहीं निकल रहा तो आप जान जाइए उसके लिए ये चेंजर लगेगा यहाँ पे, मतलब वो कोमल नोट है या फिर शार्प नोट है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको ये दबा के आपको फूकना है, खींचना है वो धुन निकालने के लिए, ठीक है। लेकिन 50-60% गाने में ये चेंजर जरूरत, स्लाइडर की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आपको ट्यून नहीं निकल रहा है, आपने पूरा ट्रायल एंड एरर मेथड लगा लिया, इधर इधर से फूंक के खींच के वो ट्यून नहीं निकल पा रहा है, मतलब कि वहाँ पे कोई कोमल नोट है, तब आपको ये यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं गाना सुना देता हूँ एक बार, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फ्यूचर में जो भी मैं लेसन आता रहो आप तक पहुंचता रहे, अच्छे माउथ ऑन प्लेयर बने खुश रहें। टिल द नेक्स्ट लेसन, बाय बाय।